गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सोनू अहमद शांति निकेतन इंटर कॉलेज देवल गाजीपुर से शांति निकेतन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने जो है पिछले वीडियो में मैंने जो है एक ईएफ का सवाल बता दिया था। ये शुरुआत करते हैं अभ्यास एक जी का, कक्षा नौ का वीडियो देख लीजिए। पहला सवाल आपका है सरल परिणाम सरल कीजिए और परिणाम को उसके सरलतम रूप में लिखिए। सवाल है आपका सरल कीजिए और परिणाम को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में लिखिए। अब ध्यान दीजिए, सवाल है आपका पहला थ्री मूल फाइव रूट में दो इंटू गुणा करना है, दो मूल रूट में थ्री। देखो यहाँ बाहर का बाहर गुणा, अगर ये दोनों के मूल बराबर होंगे तो बाहर का बाहर गुणा होगा और अंदर का अंदर गुणा होगा। देखो यहाँ द्वितियाई छ पाँच मूल पाँच रूट का गुणा करिए अंदर में तो द्वितियाई छ यह होगा छ मूल पाँच रूट में पाँच रूट में छ। देख लीजिए ये आपका सवाल रहा। नहीं, मूल दोनों के बराबर है तो रूट का रूट में गुणा होगा, बाहर का बाहर गुणा होगा। द्वितीय छ आई द्वितीय छ यानी छ मूल पाँच करड़ी में छ, ये सवाल होगा आपका। इसका दूसरा सवाल देख लीजिए, दूसरा सवाल कह रहा है थ्री मूल थ्री रूट टू इंटू थ्री मूल रूट फोर। देखिए यह इन दोनों का मूल बराबर है तो देखो यहाँ तो रूट का रूट में गुणा होगा तो तीन टू, देखो यहाँ दो चार दुनी के आठ, यहाँ चार अंदर कर लीजिए दोनों मूल बराबर है तो ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा थ्री रूट चार दुना के आठ यानी इसका घनमूल निकलेगा तो घनमूल कितना आएगा दो आएगा, इसका उत्तर कितना आएगा दो। देख लीजिए इसका आंसर आएगा दो आएगा। अगला सवाल आपका है तीसरा सवाल, इसका तीसरा सवाल देख लीजिए, ध्यान दीजिए तीसरा सवाल इसका देख लीजिए क्या करा। तीसरा सवाल में करा है छ रूट छ गुणते मूल बारह। देखो यहाँ तो छ रूट छ गुणते बारह हो जाएगा, हल कर लीजिए छ मूल छ हो गया तो देखो यहाँ बारह छक बहत्तर, ठीक है बारह छक बहत्तर। तो इसका हम निकाल सकते हैं अगर जो है बारह छक बहत्तर तो क्या होगा बारह का हो जाएगा दो गुणे दो गुणे तीन गुणे बारह गुणते तीन गुणते तीन दो दुना चार थे बारह बारह थे छत्तीस छत्तीस दो बहत्तर एक दो और रहेगा यहाँ दो दुना चार दुना आठ दुना सोलह सोलह तीन अड़तालीस दो दुना चार दुना आठ तीन के चौबीस तीन बहत्तर सही है। यानी इस तरह आपका हो जाएगा। आगे सवाल देख लीजिए, आपका सवाल है अब चौथा सवाल इसी का देख लीजिए। चौथा सवाल कह रहा है चौथा में तीन चार करड़ी में छह। देखिए इसका मूल यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब दो है क्या है इसको दो लिख लेंगे। अब दोनों का मूल बराबर करेंगे तो मूल बराबर करने के क्या किया जाएगा यानी जितना यहाँ है इतना इसको बनाया जाएगा एलसीएम दोनों का ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए एलसीएम, तो एलसीएम देख लीजिए दोनों का एलसीएम जो है कितना होगा चार, इसको चार बना दीजिए तो दो जितने का देखिए यहाँ जितने का गुणा करेंगे मूल में उतना दो तीन पर अंदर जो है घात हो गया ध्यान देना ठीक है। और गुणते चार करड़ी में छः यहाँ ध्यान दो
यहाँ हो जाएगा चार करड़ी में नौ गुड़ते चार करड़ी में छः, देख रहे हैं मूल सेम हो गया। देखो तो जो है अंदर गुड़ा होगा तो चार करड़ी में क्या होगा, नौ छका चौवन होगा, कितना होगा नौ छका चौवन, ये देख लीजिए। अगला सवाल आपका है, ये देखिए रूट को बराबर किया गया है एलसीएम लेकर के, अब जितना जो है मूल में गुणा करते हैं उतना अंदर घात हो गया, ध्यान दीजिए। ठीक है, ये सवाल इस प्रकार लगेगा आपका। आगे चलिए, अगला सवाल है आपका पांचवा सवाल, मूल तीन करड़ी में दो गुणते छः करड़ी में नौ, देखिए ध्यान दीजिए। अब मूल को छः किया जाएगा, क्या किया जाएगा छः, तो तीन और छः का एलसीएम क्या हो जाएगा छः होगा। तो देखो यहाँ तीन और छः का एलसीएम लसा हो जाएगा बराबर के छः होगा, अब हमको यहाँ छः चाहिए, तो यहाँ जितने का गुणा करेंगे यहाँ छः लाने के लिए उतना जो है यहाँ घात पर बढ़ेगा अंदर वाले में, ध्यान देना घात बढ़ेगा। तो यहाँ देखो तीन गुणते दो कर दीजिए, यहाँ जो है दो पर दो बढ़ेगा, गुणते छः करड़ी में नौ, अब देखिए हो जाएगा तो छः करड़ी में दो दुना के चार गुणते छः करड़ी में नौ बराबर कितना होगा, छः करड़ी में देखो यहाँ नौ चौक को छत्तीस, ये उत्तर होगा हमारा। अब ध्यान दो मूल बराबर किया जाएगा, मूल बराबर करने के लिए जो दोनों का एलसीएम लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा एलसीएम लिया जाएगा। आगे देख लीजिए छठवां सवाल क्या कह रहा है, छठवां सवाल कह रहा है, छठवां सवाल में ये छठवां सवाल कह रहा है नौ करड़ी में अठारह भागे नौ करड़ी में नौ, तो इसको हम लिख सकते हैं नौ करड़ी में अठारह बटा के नौ, यानी क्योंकि दोनों का मूल बराबर है, नौ दुना अठारह यानी हो जाएगा नौ करड़ी में दो हो जाएगा, कितना हो जाएगा दो, ध्यान दीजिएगा। ये भाग रहेगा या देख रहे हैं बराबर है, तो इसको कहीं भी लिख सकते हैं अट्ठारह बटा नौ कितना आ जाएगा नौ दुना अट्ठारह। अगला सवाल देख लीजिए सातवां सवाल क्या कह रहा है, सातवां कह रहा है सवाल दो बटा तीन चार करड़ी में पाँच भागे तीन बटा दो चार करड़ी में छः। अब समझिए जब भाग करेंगे दो बटा तीन तो गुणते जो है हो जाएगा तीन, देखिए जब बटा करेंगे इसका, ठीक है तो जैसे आपका है दो बटा तीन भागे तीन बटा दो, तो यह पलटेगा दो बटा तीन गुणते दो बटा तीन होगा, ये ध्यान दीजिएगा इस सवाल में आगे। ठीक है देख लीजिए ये सवाल, तो यह जो आएगा यह पलटेगा दो बटा क्या हो जाएगा तीन रूट में आएगा आपका चार या पाँच, दोनों देखे भाग में है यानी पाँच बटा छः आएगा आपका चार बटा नौ, मूल इसका जो है चार पाँच बटा छः, ये आपका सवाल रहा। देख लीजिए ये सवाल ध्यान दीजिए, दो बटा तीन चार करड़ी में पाँच है भागे तीन बटा दो चार करड़ी में छः, देखें ये सेम है ठीक, इसका मूल सेम है तो भाग में जो है जब सेम है तो यह पाँच बटा छः हो जाएगा। अब देखें यहाँ यह भाग में है यह पलटेगा यह भिन्न, ठीक है जब पलटेगा तो यह दो बटा तीन हो जाएगा, तो दो बटा तीन देखो यहाँ दो बटा तीन है, दो बटा तीन पलट के हो गया दो दुना के चार तीन तिली के नौ ने चार करड़ी में पाँच बटा छः, यह आपका उत्तर हुआ। आगे सवाल देख लीजिए, इसका आठवां सवाल, आठवां सवाल देख लीजिए, आठवां सवाल दिया है आपका करड़ी में दो गुणते तीन करड़ी में तीन गुणते दस करड़ी में चार करड़ी में चार, तो बताया गया कि सबका जो यहाँ देखिए तो कुछ नहीं दो लिख लीजिए रूट में, यहाँ वर्गमूल लिया जाएगा ठीक है, तो दो तीन चार ये जो है
दो तीन चार का एलसीएम, ये द्वितीय छः चौक। देखो यहाँ दो चार तीन का जो इसका 12 होगा, क्या उतना होगा? दूस कटाइए, एक दो तीन, दूस कटाइए एक एक तीन, तीन से कटाइए एक एक एक, तो यहाँ हो जाएगा 12। तो हमको यहाँ जो है एलसीएम 12 होगा, इसको 12 बनाना होगा। कितना बनाना होगा? तो 12, 2 × 6 रूट में, जितना बार गुणा किए हो जितने का उतना घात में बढ़ेगा, 2 × 6 और 3 × 4, 4 का गुणा किया गया है तो 3 × 4 बढ़ेगा, 4 तो यहाँ कर लेंगे 3 × 4 रूट में, देखो यहाँ 3 बढ़ा ना, 4 × 3 बढ़ेगा। अब समझिए, यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ 12 हो गया, तो यह हो जाएगा 2 × 2 × 2 कई बार, 6 बार, तो 2 × 6 × 8 64 आएगा, 12 81 आएगा, ये कितना होगा? 12 रूट में कितना, 4 × 16 × 64 आएगा। देख लीजिए आगे इसका कितना मान आएगा, समझिए, देख लीजिए। तो यहाँ 12 × कर लेंगे हम, तो 64 को लिख सकते हैं 2 × 6 × 6 ये देख लीजिए आएगा, 2 × 6 × 3 × 4 है, ध्यान दीजिएगा। देख रहे हैं यह जो मूल है 12 है, तो यह 6 × 6 = 12 हुआ, तो यहाँ 2 बाहर का चला जाएगा, ठीक है। यहाँ मूल 12, तो समझिए कितना आया आपका, यानी 3 × 4 × 6। अब जो है मूल इसको 3 करना है, छोटा कर लीजिए तो 4 का 2 में भाग कर दीजिए, तो 2, जब 4 का भाग करेंगे कितना आएगा? 3 करोड़ी में, देखो 4 से 4 यहाँ यहाँ भी भाग होगा, जितने का भाग यहाँ भी देंगे उतना भाग यहाँ होगा, तो 4 का भाग देंगे 4 से 4 खत्म, तो 3 करोड़ी में क्या आएगा? 2 × 3 करोड़ी में 3, ये आपका सवाल हुआ। इस तरह से देखिए, ध्यान दो, फिर से समझ लीजिए, 2/3, 2 √2 √2, 3 √3 और रूट में 3, 4 √4, तो 2 × 3 = 4 का एलसीएम, का एलसीएम लिख ले लीजिए 12 हो गया यहाँ। तो देखो यहाँ हमें जो है यहाँ 6 12 बनाना है, तो कितने 6 गुणा किया, 6 का जितना गुणा करेंगे उतना घात होगा, 3 × 4 करेंगे 3 × 4 घात हो जाएगा, 4 करेंगे 3 × 4 उतना जो है घात जो है 3 का किया गया है, 3 का यहाँ घात हो जाएगा। अब देखिए 64 को लिख सकते हैं 2 × कितना 6, ठीक है, और 2 × 6 हो जाएगा, और 81 को लिख सकते हैं 3 × 4, सबका सेम कर लिया गया है, ठीक है, एलसीएम लिखिए, तो ये हो जाएगा 6 × 6 = 12, यानी जोड़ा 12 बन रहा है, तो 1 2 निकल जाएगा, 3 × 4। अब जो है इसको छोटा मूल करना है, तो 3 का जो 2 भाग दीजिए 3, और यहाँ हो जाएगा जो है 4 का भाग जब देंगे तो 4 × 3 = 12, और जो 4 से 4 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा? 2 √3 = 3। इस प्रकार से हुआ, 2 सवाल और है आगे, आप उसको लगा लेंगे और बस जो है पाठ ही समाप्त होता है। धन्यवाद।